परंतु जब हम इन तीनों तत्वों की बात करें तो आप तीनों तत्वों को देखिए, तीनों के डी ऑर्बिटल कंप्लीट है। जिंक में भी डी में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, कैडमियम में भी पूरे 10 भरे हैं और मरकरी में भी पूरे 10 भरे हैं। तो इन तीनों के पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल नहीं है, इनके डी ऑर्बिटल कंप्लीट है, पूर्ण है। इनके डी ऑर्बिटल जब पूर्ण है तो जो संक्रमण तत्वों के विशेष गुण रहते हैं वो ये नहीं दिखा पाते हैं। तो वास्तव में अगर हम देखें तो इनको हमें संक्रमण तत्वों में रखना भी नहीं चाहिए, परंतु संक्रमण तत्व है डी ब्लॉक के तत्व, और डी ब्लॉक में हम उन्हीं तत्वों को रखते हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकक्षा में भरा है। और इनको जब हम देखें तो अंतिम इलेक्ट्रॉन तो इनका डी उपकक्षा में भरा जाता है, इसीलिए अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकक्षा में भरा जाता है, इसीलिए हमने इनको डी ब्लॉक में तो रख दिया। परंतु डी ब्लॉक पूरा भरा है, डी ब्लॉक पूरा भरा होने की वजह से जो संक्रमण तत्वों के विशेष गुण है वो ये नहीं दिखा पाते हैं। जैसा कि अभी मैंने एक गुण आपको बताया था कि संक्रमण तत्व रंगीन आयन देते हैं, परंतु जिंक के जब आप आयन देखोगे तो आपको रंगीन नहीं मिलेंगे, सफेद रंग के मिलेंगे, रंगहीन मिलेंगे। कैडमियम के आयन आपको रंगीन नहीं मिलेंगे, मरकरी के आयन आपको रंगीन नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि इनके पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल नहीं है, इनके डी ऑर्बिटल कम्प्लीट है, पूरे भरे हुए हैं। इसीलिए जो है जिंक, मरकरी और कैडमियम जो है संक्रमण तत्वों से अलग गुण दिखाते हैं। जो गुण इनको दिखाने नहीं दिखाते तो डी ब्लॉक में रखना हमको पड़ेगा। इसलिए पड़ेगा क्योंकि इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ भरा जा रहा है? डी ऑर्बिटल। इसलिए डी ब्लॉक में तो इनको हमें रखना पड़ेगा। अब आया आपको समझ में गुना से? मनोज बेटा आया समझ में? क्लियर हुआ कि कुछ और आगे पूछना है? गुना से मैं मिथुन धाकड़ बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए, स्वागत है आपका। हाँ बोलिए। इलेक्ट्रॉन विन्यास एन जीरो से टू एन माइनस वन डी वन से टेन होता है। हाँ। जबकि इसी को अगर इलेक्ट्रॉन इसी को एफ ब्लॉक के तत्वों में लिखा जाता है तो एन 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 से जीरो टू एन माइनस वन डी जीरो वन क्यों लिखा जाता है? जीरो वन इसीलिए लिखा जाता है एफ ब्लॉक में, क्योंकि अभी आपने देखा, अभी मैंने जब आपको मैंने कहा था लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नोट करो, आपने अगर लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नोट किया होता तो आपको समझ में आ जाता, फिर भी एक बार देख लीजिए। लैंथेनम का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा आपने, तो लैंथेनम में आप देखिए 5d में एक इलेक्ट्रॉन भरा गया है। हाँ हेलो, आ रही है मेरी आवाज आप तक? आ रही है। तो लैंथेनम में हाँ बोलिए 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 डी और एफ ब्लॉक में मैम अंतर बता दीजिए। डी और एफ ब्लॉक में अंतर ये है कि डी ब्लॉक में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में भरा जाएगा, डी उपकक्षा में भरा जाएगा, और एफ ब्लॉक में अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकक्षा में भरा जाएगा। बस यही अंतर है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो मुख्य अंतर यही है। आप कैसे पहचान सकते हैं कि डी ब्लॉक का तत्व कौन सा है, एफ का कौन सा है? बाकी जब हम गुण पढ़ेंगे तो उसके आधार पर मैं पूरे अंतर बताऊंगी, पर अभी हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर अंतर यही है कि देख के आप कैसे पहचानो कि ये डी ब्लॉक का तत्व है, ये एफ ब्लॉक का। आप भरते जाएंगे आपबाव के सिद्धांत से इलेक्ट्रॉन, अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकक्षा में भरा गया तो वो डी ब्लॉक का तत्व, और अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकक्षा में भरा गया तो वो एफ ब्लॉक का तत्व। अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आप यही अंतर अभी बता सकते हैं। अभी जैसे जैसे मैं गुण आपको बताते जाऊंगी वहां पर मैं दोनों की कंपैरिजन भी आपको बताती जाऊंगी। तो अभी आपको जितना मैंने पढ़ा दिया है उसके आधार पर यदि आपको मैं अंतर बताऊं तो यही अंतर है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि डी उपकक्षा में भरा गया तो डी ब्लॉक का तत्व, अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि एफ उपकक्षा में भरा गया तो एफ ब्लॉक का तत्व। आ गया समझ में? आ गया? कोई और शंका है तो पूछिए। मैम मेरा आंसर नहीं हुआ था, गुना से मिथुन बोल रहा हूँ। हाँ गुना से बोलिए बोलिए, आपका स्वागत है, बोलिए। हेलो जी मैम, मैंने आपसे क्वेश्चन किया था। हाँ कि डी ब्लॉक के तत्व एन एस जीरो से टू एन माइनस वन डी एन होते हैं,
जबकि एफ ब्लॉक में भी पुनः ऐसा ही लिखा जाता है एन एस टू एन माइनस वन, लेकिन डी पे जीरो वन क्यों लिखा जाता है? हाँ, डी पे जीरो वन इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि देखिए लैंथेनम का मैं आपको बता रही थी, लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने देखा, तो लैंथेनम में अंतिम इलेक्ट्रॉन भरा गया 5d1 में। उसके बाद लैंथेनम के बाद जब हम सीरियम को भरते हैं, अभी सीरियम भर के बताया ना मैंने आपको, और फिर से बता देती हूँ मैं आपको, अभी मैंने आपको बताया था ना कि सीरियम को जब हम भरते हैं तो सीरियम में 5d भरने के बाद फिर हम 5d में दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं भरते, फिर हम चले जाते हैं 4f में, क्योंकि 5d और 4f के ऊर्जा स्तर में बहुत कम अंतर रहता है, तो जब हम भरने जाते हैं इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन 5d में नहीं जाता, इलेक्ट्रॉन चला जाता है 4f में। तो 5d में तो एक ही इलेक्ट्रॉन रहा, एक के बाद तो रहा ही नहीं, उसके बाद चला गया 4f में। उसके बाद सीरियम के बाद नेक्स्ट जो भरोगे 59, उसमें 4f2 हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट जो आप भरोगे 60, 4f3 हो जाएगा, जब तक आपकी 4f पूरी 14 तक भरने जाती है, आपका इलेक्ट्रॉन जो है 5d में एक ही रहेगा, 5d में उसकी संख्या में वृद्धि नहीं होगी परंतु 4f में वृद्धि हो जाएगी। इसीलिए 5d में या तो 0 रहेगा या 1 रहेगा, 1 से ज्यादा नहीं रहेगा जब तक 4f में भरते जाओ। जब 4f पूरा भर जाएगा 14 हो जाएगा, तो हमने देखा था जब हम हाफ नियम पे आए थे 4f 14 हो गया, तो अब आप देखिए 5d में फिर 2 आ गया। तो 5d में बढ़ोतरी कब हुई? जब आपका f ब्लॉक पूरा खत्म हो गया। अब आप देखिए f ब्लॉक में कैसे भरे गए, f ब्लॉक की विशेषता क्या रहेगी, अभी मैं आपको d और f ब्लॉक का एक अंतर और बता देती हूँ, आपने जो प्रश्न पूछा है ना उसके आधार पर। देखिए d ब्लॉक में यदि आप d ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो तो इनकी बाह्यतम कक्षा तो खाली है, क्योंकि इनकी बाह्यतम कक्षा को यदि आप देखो तो इनकी बाह्यतम कक्षा में s में एक या दो इलेक्ट्रॉन है। पहले अपन बात करते हैं d ब्लॉक की। जब आप d ब्लॉक की बात करो तो सबसे पहले जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, इनकी बाह्यतम कक्षा, तो इनकी बाह्यतम कक्षा n हो गई इनकी बाह्यतम कक्षा, s में या तो इनके 0 होगा इलेक्ट्रॉन, या 1 होगा, या 2 होगा, 0 से लेकर कितना होगा 2 तक होगा इलेक्ट्रॉन। d ब्लॉक की बात कर रहे हैं अभी हम। और फिर उसके बाद आपने देखा कि फिर आपके p में नहीं भरा जाता इलेक्ट्रॉन, फिर अंदर वाली उपकक्षा में जाता है, अंदर वाली हो गई n-1, n हो गई बाहर वाली, उसके अंदर वाली हो गई n-1 जो कि अंदर वाली, फिर d में भरा जाता है 1 से लेकर 10 तक। तो ये तो हो गई d ब्लॉक की बात, परंतु आप अभी f ब्लॉक की बात, तो जब हम f ब्लॉक की बात करते हैं तो f ब्लॉक में भी आप देखिए ns 0 से लेकर 2 तक भरा में 0 से लेकर आपके कहां तक भरे जाएंगे 1 तक, क्योंकि 5d के बाद इलेक्ट्रॉन 5d f ब्लॉक में चला जाता f ब्लॉक में जाएंगे मैम, हां ठीक है चला जाता है ना। तो फिर उसके अंदर वाली उपकक्षा n-2, n हो गई बाहर वाली, उससे अंदर वाली हो गई n-1, उससे अंदर वाली हो गई n-2, फिर आपका f में भरा जाएगा 1 से लेकर 14 तक। जब 1 से लेकर 14 तक आपकी f उपकक्षा पूरी भर जाएगी, उसके बाद वापस भरना शुरू होगा इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में, और जब फिर वापस इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में भरना शुरू हो जाएगा आखिरी इलेक्ट्रॉन, तो फिर वो f ब्लॉक का नहीं रहेगा, फिर वो हो जाएगा d ब्लॉक का। तो f ब्लॉक का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो f ब्लॉक में इस तरह से भरा जाएगा, बाहर आपको दिखेगी जो कक्षा, तो बाहर वाले में आप n लिखोगे और s में आपको 0 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, फिर उससे अंदर वाली तो n-1 लिखोगे, वहां पर d में 0 से 1 तक भरा जाएगा, क्योंकि 0 से 1 तक भरने के बाद इलेक्ट्रॉन फिर d में नहीं भरा जाते, जैसा कि आपने लैंथेनम में देखा था। लैंथेनम में जब 5d1 भरा गया, उसके बाद जब सीरियम में हमने भरना शुरू किया तो सीरियम में 5d में नहीं जाता इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चला जाता है 4f में। तो d1 के बाद तो फिर इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं रहा है d में, तो हमने यहीं तक इसको फिनिश कर दिया 0 से लेकर 1 तक। फिर आपका उससे अंदर वाली, क्योंकि 4f उसके अंदर वाली है, सबसे बाहर वाली देखिए आपकी, सबसे बाहर वाली जैसे यहाँ पर आप देखिए तो सबसे बाहर वाली आपकी कौन सी है, 6s वाली,
फिर 5D में भरा जा रहा है तो वो उससे अंदर वाली, फिर 4S में भरा जाता है तो वो उससे अंदर वाली, तो वो उससे अंदर वाली उपकक्षा है तो आप लिखेंगे N-2, क्योंकि उससे अंदर और उससे अंदर। फिर उसमें F में भरा गया 1 से 14 तक, जब ये 14 पूरी भर जाएगी तो ये हो गया F ब्लॉक का तत्व, क्योंकि 14 पूरे भर गए। F उपकक्षा की कैपेसिटी है 14 इलेक्ट्रॉन की, जब 14 भर गए तो उसके बाद फिर से आपके D में जाना शुरू हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और जब D में जाना शुरू हो जाएंगे तो फिर वो वापस आ जाएगा D ब्लॉक में, तो इसीलिए D ब्लॉक में 1 से लेकर 10 तक भरे जाएंगे। जैसा आपने देखा लिथियम लैंथेनम के बाद सीरियम से लेकर 71 लुटेशियम तक पूरा 4F भर गया, जब 4F कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट नंबर आया हाफनियम का, जब नेक्स्ट नंबर आया हाफनियम का तो 4F देखो पूरा भरा जा चुका था, अब 4F पूरा भर चुका है तो अब इलेक्ट्रॉन 4F में तो जा नहीं सकता, तो उसके नेक्स्ट कौन है 5D, तो अब इलेक्ट्रॉन जा गया 5D में, तो 5D में 2 हो गया, तो इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन भरते चले जाएंगे। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक अंतर और हो गया डी ब्लॉक के तत्वों का और एफ ब्लॉक के तत्वों का। अब आया समझ में? यस मैम। और कोई शंका है तो पूछिए 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 गुना पूछिए पूछिए, इसको नोट भी करते चलिए। पूछिए पूछिए। लैंथेनाइट संकुचन क्यों होता है? लैंथेनाइट संकुचन इसलिए होता है क्योंकि जब हम अंदर वाली उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, अब आप देखिए जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, अंदर वाली उपकक्षा में, वो कक्षा जो है अंदर स्थित है, अंदर होने की वजह से क्या है, अब बाहर तो इलेक्ट्रॉन जा नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है अंदर, तो अंदर जाएगा तो नाभिक का आकर्षण बल जो है अंदर वाली उपकक्षा में ज्यादा लगेगा, तो वो उसको अपनी तरफ खींचेगा, जब वो उसको अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा कि उसका साइज जो है वो छोटा होता जाएगा, और धीरे 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 इस तरह से जब हम आगे चलेंगे सीरीज में तो साइज छोटा होता जाएगा, और जिसे हम कहते हैं लैंथेनाइट संकुचन। अभी हम गुण पढ़ते चलेंगे तो वहां पर अभी मैं पूरा डिटेल में बताती चलूंगी, अभी तो सिर्फ मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताए हैं, अभी वहां तक तो मैं पहुंची नहीं हूँ, तो वहां पर अभी मैं पूरा बताऊंगी, अभी लैंथेनाइट संकुचन की बात भी होगी, एक्टिनाइट संकुचन की बात भी होगी, अभी तो सिर्फ मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताए हैं, उसके अलावा तो अभी मैंने कुछ बताया ही नहीं है। तो अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो पूछते चलिए, क्योंकि अभी एक के बाद एक अपन सिस्टमेटिक गुण लेते चलेंगे ना, तो अगर आप सिस्टमेटिक लेते चलोगे तो जल्दी समझ में आएगा। अभी तो मैंने आपको बता दिया कि अंदर वाली उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है इसीलिए संकुचन होता है, अभी मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी उसको। तो अभी आपको जो मैंने अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताए हैं उसमें जो समस्या आ रही है उसे पूछते चलिए, पूछिए, फिर अभी अपन गुणों की बात तो कर ही रहे हैं, है ना, पूछिए। कोई क्वेश्चन था, हो गया पूरे हो गए क्वेश्चन, और कुछ नहीं है, चलो मैं अब आगे और पढ़ाती हूँ, आप ध्यान से सुनते रहिए, नोट करते रहिए, और जहाँ जहाँ समस्या आती जाए पूछते चलिए। तो अभी हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अगर और कोई समस्या आ रही है तो पूछिए, नहीं तो अभी हम फिर गुणों की तरफ चलते हैं। गुण पहले हम सामान्य गुणों को शॉर्ट में देखेंगे, फिर एक एक गुण को हम डिटेल में लेंगे, क्योंकि इसमें कारण बताओ के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं और वो कारण बताओ के क्वेश्चन आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अगर और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में गुना से और कोई समस्या है तो पूछिए, नहीं, चलो अब देखिए संक्रमण धातुओं की विशेषता है, गुणों को देखते हुए चलते हैं। पहली विशेषता मैंने आपको बताई, कठोर और उच्च गलनांक वाले धातु है, इसमें पारा अपवाद है क्योंकि वह द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद मैंने आपको बताया अन्य धातुओं की अपेक्षा कम क्रियाशील होते हैं, यहाँ पर अन्य धातुओं से हमारा मतलब है एस ब्लॉक के तत्व में भी जो धातुएं पाई जाती हैं उनसे अगर हम तुलना करें तो उनकी अपेक्षा कम क्रियाशील है। उसके बाद मैंने आपको बताया रंगीन आयन देते हैं, अब इसमें मैंने आपको जिंक कैडमियम और मरकरी का उदाहरण भी बताया कि जिंक कैडमियम और मरकरी जो होते हैं वो रंगीन आयन नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि इनकी ड्यूप कक्षा पूरी भरी रहती है, रंगीन आयन वे ही तत्व देते हैं जिनकी ड्यूप कक्षा जो है वो इनकम्प्लीट हो, पूरी भरी हुई न हो।
इसके बाद अगला गुण अगर हम देखें तो अधिकांशतः आपके संक्रमण तत्व जो है अनुचुंबकीय गुण दिखाते हैं। इसके बाद अगला गुण अगर हम देखें तो ये परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं। अभी सिर्फ जनरल गुणों को हम देख रहे हैं, ये सारे गुणों को अभी एक एक गुण को मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगी। उसके बाद यदि हम देखें तो ये उत्प्रेरकीय गुण भी रखते हैं, उत्प्रेरक के रूप में भी ये काम करते हैं। आपने संक्रमण तत्वों में से बहुत सारी संक्रमण धातुओं के नाम सुना होगा उत्प्रेरक के रूप में, निकिल का नाम सुना होगा उत्प्रेरक के रूप में, आयरन का नाम सुना होगा आपने उत्प्रेरक के रूप में, कोबाल्ट का नाम सुना होगा, प्लेटिनम का नाम सुना होगा, ये सभी संक्रमण धातुएं हैं और ये सभी उत्प्रेरक के रूप में काम में आती है। अच्छा, इनको यदि हम देखें तो अधिकांशतः ये जटिल यौगिक बनाते हैं, अरसमीकरणीय यौगिक बनाते हैं, ये इनके जनरल गुण हो गए। अब एक एक गुण को हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो हम जब डिटेल में इनको पढ़ेंगे तो जो प्रथम पंक्ति है उसके संक्रमण धातुओं को हम लेकर चलेंगे, क्योंकि उनसे हम भली भांति परिचित है। एग्जाम्पल हम किसका लेंगे, प्रथम पंक्ति का, क्योंकि उससे आप भलीभांति परिचित हो। प्रथम पंक्ति में मैंने आपको बताया था स्कैंडियम से शुरू है और जिंक पर खत्म है, 21 स्कैंडियम से शुरू है और 30 जिंक पर खत्म है। अब सबसे पहला गुण जो अपन ने देखा था कि संक्रमण धातुएं जो है वो कठोर है और इन्हें इनमें धात्विक लक्षण पाया जाता है। तो यदि हम इनके गुणों को देखें, धात्विक प्रकृति के है, जब धात्विक प्रकृति पे है तो इनकी तन्यता देखते हैं। तन्यता का गुण आपने पढ़ा है, धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता समझते हो आप, धातुओं को खींचकर तार बनाए जाते हैं, इस गुण को कहते हैं तन्यता। तो संक्रमण धातुओं में भी तन्यता का गुण पाया जाता है और इनकी तनन सामर्थ्य जो होती है कैसी रहती है, उच्च रहती है। इनकी आघात वर्धनीयता अगर हम देखें तो इनमें आघात वर्धनीयता भी पाई जाती है। आघात वर्धनीयता आपने पढ़ी है, धातुओं को पीटकर चादर बनाई जाती है, तो ये गुण भी इनमें पाया जाता है। चूंकि ये धात्विक है इसीलिए धात्विक लक्षण इनमें पाए जाते हैं। इनकी ऊष्मा और विद्युत के प्रति चालकता उच्च रहती है, क्योंकि धातुएं जो होती है ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। जैसे धातुओं में चमक पाई जाती है इनमें भी चमक पाई जाती है। अब ये सब गुण जो हम देख रहे हैं किसकी वजह से है, तो उसका कारण यही है कि इनके अंदर अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन है। जो इनके डी ऑर्बिटल है वो इनकम्प्लीट है, मतलब इनकम्प्लीट है इसका मतलब उसमें अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन होंगे। जब अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन होंगे तभी ये सारे गुण दिखाएंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही ये गुण होते हैं, इसीलिए इनमें ये गुण पाए जाते हैं और इनमें विशिष्ट धात्विक बंध होता है। परमाणुओं को अगर हम देखें तो परमाणु जो है आपस में प्रबल धात्विक बंधों से जुड़े रहते हैं। इनकी जब हम क्रिस्टल संरचना देखें तो इनमें सामान्य धात्विक बंध तो रहते ही है, साथ ही साथ डीडी ऑर्बिटल इनके आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, जिससे सहसंयोजक बंध भी बनते हैं। यदि आप एस ब्लॉक से इनकी तुलना करो तो एस ब्लॉक में आप देखो तो वहां पर सिर्फ धात्विक बंध या विद्युत संयोजी बंध आपको मिलेंगे, परंतु यहाँ पर आपको धात्विक बंध के साथ साथ सहसंयोजी बंध भी मिलेगा। वो इसलिए मिलेगा क्योंकि इनके जो डी और डी ऑर्बिटल है आपस में ओवरलैपिंग करते हैं और सहसंयोजक बंध बनाते हैं। तो इस तरह से ये धात्विक लक्षण हो गया। अब इसमें अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए। अगर आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की बात करें तो देखिए, आप प्रथम श्रेणी को लेकर चलिए तो मैं आपको प्रथम श्रेणी का उदाहरण बता दूं। देखिए स्कैंडियम है, स्कैंडियम को यदि आप देखें तो इसके 3D में 1 इलेक्ट्रॉन है और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसकी बाह्यतम कक्षा देखो तो 4s में इसका 1 है, 4s में इसके 2 है और 3D में 1 है इलेक्ट्रॉन, ऐसा स्कैंडियम। स्कैंडियम के बाद यदि टाइटेनियम में चलिए, 22 आपका टाइटेनियम है तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और d ऑर्बिटल में भी 2 हो जाएंगे, मतलब एक एक बढ़ता जाएगा ना इलेक्ट्रॉन। देखिए तो अब आप यहाँ देखिए इनमें d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे है, अयुग्मित है। जब d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होंगे तभी संक्रमण धातुएं जो है विशेष गुण दिखाती है, परंतु जिंक कैडमियम और मरकरी का यदि हम उदाहरण ले लें
तो इनका डी ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है, डी में 10 है ना इलेक्ट्रॉन, तो यदि इनके आप डी ऑर्बिटल की बात करो तो इनके डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है मतलब ये पूरा भरा हुआ है, ये पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा होने की वजह से इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए जिंक कैडमियम और मरकरी जो है संक्रमण धातुओं के जो विशेष गुण रहते हैं, रंगीन आयन बनाना, जटिल यौगिक बनाना और परिवर्ती संयोजकता दर्शाना, ये गुणों को नहीं दिखाते हैं, क्योंकि इन गुणों को दर्शाने के लिए डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होना चाहिए जो कि जिंक कैडमियम और मरकरी के पास नहीं है। तो इतना आगे आपको समझ में, धात्विक लक्षण, इसमें कोई समस्या आ रही है तो पूछिए, नहीं तो फिर अगला लक्षण लेकर चलेंगे हम। धात्विक लक्षण, धात्विक लक्षण आया समझ में गुना से? कोई समस्या है तो पूछिए। बुरहानपुर से कोई समस्या है तो पूछिए। धात्विक लक्षण हो गया, नहीं तो फिर नेक्स्ट देखें हम। नेक्स्ट है आपका गलनांक और क्वथनांक। सभी संक्रमण तत्वों के गलनांक और क्वथनांक अति उच्च होते हैं, बहुत उच्च होते हैं, बहुत अधिक ताप पर ये उबलते हैं या गलते हैं। परंतु यदि हम बात करें जिंक कैडमियम और मरकरी की तो इनके गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। कारण यही है कि इनके डी ऑर्बिटल जो है वो भरे हुए हैं। अभी मैंने आपको बताया ना कि जिंक कैडमियम और मरकरी संक्रमण तत्वों से भिन्न गुण दिखाएंगे क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल पूरे भरे हुए हैं। संक्रमण तत्वों में और तत्वों को यदि आप देखो तो उनके डी ऑर्बिटल अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है, इसीलिए उनमें जो गुण रहेंगे और जिंक कैडमियम और मरकरी के गुणों में थोड़ी सी भिन्नता आपकी आएगी। उच्च गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं वो इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल के कारण होते हैं, नोट कर लीजिए। जिंक कैडमियम और मरकरी के गलनांक और क्वथनांक निम्न है क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल पूरे भरे हुए हैं। परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ पहले गलनांक बढ़ते हैं और फिर घटते हैं। यदि आप प्रथम संक्रमण श्रेणी में जाएंगे तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे पहले गलनांक बढ़ेंगे और फिर घटेंगे। मैग्नीज और टेक्नीशियम को जब हम देखते हैं तो इनके गलनांक जो है असामान्य है, अधिक है। कारण यह है कि इनमें जो है डी ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पहले बढ़ते हैं और फिर घटते हैं। मैग्नीज तक जब हम जाते हैं ना तो पहले बढ़ते जाते हैं और फिर घट जाते हैं। मैग्नीज का जब आपने बनाया था तो मैग्नीज में सबसे अधिकतम है, इसीलिए इसका गलनांक जो है उच्च है। तो आप जैसे जैसे आगे चलेंगे तो मैग्नीज तक आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि स्कैंडियम में आपका एक है, फिर दो, तीन, चार, पांच, मैग्नीज तक पांच। मैग्नीज के बाद जब छह हो जाएंगे तो छह में फिर पेयरिंग शुरू होगी। एक बार मैं आपको और बता देती हूँ इसको, देखिए जैसे 3D1 है तो 3D1 जब आप बनाओगे तो उसमें आप देखेंगे कि डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, तो अयुग्मित एक हुआ। उसके बाद नेक्स्ट जब चलोगे D2, जब D2 में आप आओगे तो आपके दो हो गए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। फिर जब आप D3 में आओगे, जब आप D3 में आओगे तो तीन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जब आप D4 में आओगे तो चार अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। जब आप D5 में आओगे तो आपके पांच अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब जब आप D6 में आ रहे हो, 5 के बाद जब आप 6 में आ रहे हो तो देखिए आपके खंड तो पांच है, पहले पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर गया, उसके बाद छठा जो आया युग्मित हो गया। तो 1 में आपका एक था, 2 में दो था, 3 में तीन थे, 4 में 4 थे, 5 में 5 थे, परंतु D6 में आपने देखा कि इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होने लगी तो अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 हो गई। फिर आगे जाओगे फिर यहाँ पेयरिंग होगी तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी,
फिर एक हो जाएगी और सबसे लास्ट में जिंक में जीरो रहेगी, क्योंकि जिंक पूरा भरा है तो उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जीरो रहेंगे। तो आप देख रहे हो कि श्रेणी में जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आप चाहे तो नोट करते चलिए, श्रेणी में जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले बढ़ती है और उसके बाद घटती है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से गलनांक भी पहले बढ़ेंगे और फिर घटेंगे, जिसमें जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उनके गलनांक उतने ही उच्च होंगे। इसीलिए मैग्नीज का जो गलनांक है वो सबसे उच्च है, क्योंकि मैग्नीज में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी 5 है जो अधिकतम है, क्योंकि 5 के बाद आप देखिए फिर पेयरिंग होनी शुरू हो गई, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, फिर आगे 3 हो जाएंगे, फिर 2 हो जाएंगे, फिर 1 हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ना शुरू होगी और उससे जो है गलनांक में भी वृद्धि होगी। तो इस तरह से ये गलनांक और क्वथनांक में जो इनके उच्च होते हैं किसकी वजह से होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की वजह से। अब इसमें कोई समस्या आ रही है तो पूछिए, एक एक गुण हम डिटेल में चलते चलेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। इसमें कोई समस्या आ रही है तो पूछिए, गलनांक और क्वथनांक में, गलनांक और क्वथनांक नोट करते चलिए, गुणों को नोट करते चलिए। उसके बाद यदि हम परमाण्विक आयतन और घनत्व देखें तो संक्रमण तत्वों के परमाण्विक आयतन निम्न होते हैं, क्योंकि इन तत्वों में जो नया इलेक्ट्रॉन आता है वो अंतर ऑर्बिटल मतलब अंदर वाले ऑर्बिटल में भरा जाता है, तो अंदर वाले ऑर्बिटल में भरे होने की वजह से इनका आयतन जो हो जाता है वो कम हो जाता है ना। और इन इलेक्ट्रॉनों का जो बाहर वाले ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है उनके लिए थोड़ा सा परिरक्षण स्क्रीनिंग भी होती है, थोड़ा सा इनको ये प्रतिकर्षित भी करते हैं। इसीलिए जो बड़ा हुआ नाभिकीय आवेश है वह बाह्य इलेक्ट्रॉनों को अंदर की ओर खींचता है और जिसके कारण इन तत्वों के परमाण्विक आयतन जो है निम्न हो जाते हैं, परंतु घनत्व इनके उच्च हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो भरा जाएगा तो घनत्व तो इनका बढ़ेगा, घनत्व तो उच्च होगा, परंतु जो नाभिकीय आवेश है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को अंदर की ओर खींचता है, तो उससे क्या होगा, इनका आयतन जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा। इसीलिए संक्रमण तत्वों का परमाण्विक आयतन तो कम रहता है परंतु घनत्व जो रहता है इनका उच्च रहता है। नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए, सारा कारण जो है वो सब अंदर वाले डी ऑर्बिटल की वजह से है, जो ये विशेष गुण है ना वो सब किसकी वजह से है, अंदर वाले डी ऑर्बिटल की वजह से, और वो भी अपूर्ण अपूर्ण होना चाहिए, इनकम्प्लीट। परमाण्विक आयतन और घनत्व नोट करिए, इसमें कोई समस्या आ रही है तो पूछिए, नहीं तो नेक्स्ट गुण देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका परमाण्विक और आयनिक त्रिज्या। अब परमाण्विक और आयनिक त्रिज्या देखने के लिए पहले हमको आपका संक्रमण तत्वों के परमाणु की संरचना को समझना पड़ेगा। देखिए एक ये संक्रमण तत्व मैंने आपका इनका एक परमाणु बनाया है, आप चाहे तो बना लीजिए, बना लीजिए। अब देखिए बीचों बीच इसमें नाभिक होता है, ये आपका नाभिक है, ये आपकी बाहर वाली कक्षा है NS और ये उससे अंदर वाली, ठीक है, ये नाभिक, ये बाहर वाली कक्षा और ये उससे अंदर वाली N-1D। पहले इसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा फिर उसके बाद अंदर वाले में, नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जब भरा जाता है तो नाभिक क्या करता है, बाहर वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये बाहर वाली कक्षा है, इसमें जो s में बाहर वाली में s में भरे जाते हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो s में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे उनको कौन आकर्षित करेगा, नाभिक। तो पहले S में भरे जाएंगे और उसके बाद फिर अंदर वाली डी उपकक्षा में। अब जो अंदर वाली डी उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन भरे हैं, ये भीतर वाले इलेक्ट्रॉन, ये भीतरी इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों के साथ परिरक्षण करते हैं, मतलब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। तो उससे क्या होता है, इनकी त्रिज्या पर फर्क पड़ता है। जब हम आगे जाते हैं
तो आगे जब जाने पर अंदर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है, जैसे डी में एक है, फिर आगे जाएंगे डी में दो हो जाएंगे, और आगे जाएंगे डी में तीन हो जाएंगे, और आगे जाएंगे डी में चार हो जाएंगे, और आगे जाएंगे डी में पांच हो जाएंगे। तो जब हम आगे की ओर चलते हैं तो क्या होता है, इनकी त्रिज्या, क्योंकि अंदर वाले में बढ़ते चले जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित भी हो रहा है, नाभिक का आकर्षण भी हो रहा है, तो उन दोनों के मिले जुले प्रभाव से जो है त्रिज्या घटना शुरू होती है, क्योंकि नाभिक का आकर्षण बल ज्यादा होता है तो त्रिज्या घटना शुरू होती है। परंतु थोड़ा आगे जाने पर श्रेणी में जब हम लास्ट में पहुंचते हैं D9 और D10 में, तो वहां पर थोड़ी सी त्रिज्या बढ़ जाती है, ये वेरिएशन देखने को मिलता है, क्योंकि दो प्रकार का यहाँ पर बल लग रहा है, एक तो नाभिक का आकर्षण बल और दूसरा भीतरी इलेक्ट्रॉनों द्वारा परिरक्षण या स्क्रीनिंग। तो इन दोनों के मिले जुले प्रभाव से पहले तो नाभिक का आकर्षण बल तीव्र रहता है तो इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा बाह्यतम कक्षा के, तो पहले त्रिज्या घटेगी, परंतु जैसे जैसे हम श्रेणी में आगे जाएंगे तो अंत में जाकर थोड़ी सी यह बढ़ जाती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जाते हैं वैसे वैसे नाभिकीय आवेश में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे जाओगे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा, परमाणु क्रमांक बढ़ा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बढ़ी, है ना। जैसे आपका 57 था परमाणु क्रमांक, तो 57 है परमाणु क्रमांक मतलब उसमें 57 इलेक्ट्रॉन है और 57 प्रोटॉन है। अब आप आए 58 पे, तो अब इलेक्ट्रॉन हो गए 58 तो प्रोटॉन भी तो 58 हो गए, तो नाभिक का आवेश भी तो बढ़ा, नाभिक का आवेश तो बढ़ा, परंतु बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन तो उतने ही है, क्योंकि नया जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, नया इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में तो नहीं आ रहा, जैसे पहले डी उपकक्षा में एक इलेक्ट्रॉन गया, अब नेक्स्ट जब आएगा तो डी में दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, जब नेक्स्ट आएगा तो डी में तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो बाहर वाले में तो उतने ही है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ते जा रहे हैं, अंदर वाली उपकक्षा में, परंतु नाभिक का आवेश तो बढ़ता जा रहा है। जैसे आपने उदाहरण ले लो, चलो सबसे सिंपल उदाहरण में आपको, इलेक्ट्रॉन है आपके 21, अब बाहर आप देखो बाहर आपके दो इलेक्ट्रॉन भरे हैं, अब जो नया डी में आया अंदर वाली में, तो वहां तो एक आया डी में सिर्फ, क्योंकि अभी तो बहुत सारे भरेंगे, अभी पूरा नहीं बना रही हूं मैं, तो अंदर डी में एक इलेक्ट्रॉन आया, तो ये जो 21 प्रोटॉन है ये बाहर वाले इन दो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच रहे हैं, इन पर बल लगा रहे हैं। परंतु स्कैंडियम के बाद जब 22 आप टाइटेनियम में गए, जब आप टाइटेनियम में गए तो 21 की जगह अब प्रोटॉन हो गए 22, परंतु नया जो इलेक्ट्रॉन भरा वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा रहा है, वो अंदर वाली डी कक्षा में आ रहा है, डी में एक था तो अब डी में दो हो गया, अब ये इलेक्ट्रॉन तो खींच रहे हैं बाहर वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को, तो बाहर वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन तो उतने ही है, परंतु नाभिक का आवेश तो बढ़ गया, तो दो इलेक्ट्रॉनों को पहले 21 प्रोटॉन खींच रहे थे, अब 21 की जगह 22 खींच रहे हैं, तो आवेश बढ़ेगा। फिर आगे जाओगे तो बाहर तो उतने ही है इलेक्ट्रॉन, परंतु नाभिक का आवेश बढ़ गया तो खिंचाव और बढ़ेगा, तो जैसे जैसे हम जाएंगे नाभिकीय आवेश में वृद्धि हो जाएगी। नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने से क्या है कि इलेक्ट्रॉन खिंचते चले जाएंगे नाभिक की तरफ, बाह्यतम कक्षा नाभिक की तरफ खिंचती चली जाएगी, इसीलिए आकार घटता चला जाएगा। ये जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा था गुना से लैंथेनाइड संकुचन, यहाँ पर हम आ गए उसका उत्तर देने के लिए, इसीलिए मैंने आपको बताया था जब हम गुणों की बात करेंगे, जब हम त्रिज्या की बात करेंगे, तब आपको सही सही उत्तर उसका मिल जाएगा, वहां मैंने शॉर्ट में बताया था, अब आप समझ जाओ। जैसे लैंथेनम है, लैंथेनम में 57 थे आपके, उसके आगे अगर आप जाओ 58 पर, तो नाभिक का तो आवेश बढ़ा, परंतु नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाली उपकक्षा में नहीं गया, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन गया अंदर वाली उपकक्षा में, और नाभिक आकर्षित कर रहा है बाहर वाली कक्षा को, क्योंकि त्रिज्या जब आपको निकालनी है, त्रिज्या आप कैसे निकालते हो, अगर गोले की त्रिज्या आपको निकालनी होती है तो गोले के केंद्र से आप गोले की परिधि तक की दूरी को कहते हो गोले की त्रिज्या,
तो ऐसे ही यदि आपको परमाणु की त्रिज्या निकालनी है तो परमाणु के नाभिक से परमाणु की बाह्यतम कक्षा तक की दूरी कहलाती है परमाणु की त्रिज्या। जब आप लैंथेनम को देखो तो लैंथेनम में 57 आपके प्रोटॉन बाहर वाली कक्षा जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर खींच रहे हैं, पर लैंथेनम के बाद जब आप नेक्स्ट जाओ सीरियम में 58 सीरियम में जब आप जाओगे तो सीरियम में अब नाभिक में आवेश तो बढ़ गया, 57 की जगह हो गया 58, परंतु बाह्यतम कक्षा में तो वही 2 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि नया इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में नहीं गया, नया इलेक्ट्रॉन गया है अंदर वाली कक्षा में। तो बाह्यतम कक्षा को जहाँ 57 खींच रहे थे अब 58 खींचेंगे। जब 57 से 58 नाभिक का आवेश बढ़ गया तो खिंचाव ज्यादा होगा, जब खिंचाव ज्यादा होगा तो वो कक्षा खिंच के आएगी, जब कक्षा खिंच के आएगी तो त्रिज्या छोटी हो जाएगी, जब त्रिज्या छोटी हो जाएगी तो परमाणु का आकार छोटा हो जाएगा क्योंकि जिसकी त्रिज्या छोटी वो परमाणु छोटा। और आगे जाओगे तो इलेक्ट्रॉन तो अंदर वाली कक्षा में जा रहा है परंतु नाभिक का आवेश तो बढ़ रहा है और नाभिक खींच रहा है बाहर वाली कक्षा को, तो बाहर वाली कक्षा जो है नाभिक के समीप आती जाएगी, तो इस तरह से त्रिज्या छोटी होती जाएगी और आकार छोटा होता जाएगा। तो हम कहते हैं कि परमाणु में संकुचन होता जा रहा है, क्योंकि लैंथेनाइट श्रेणी में जब हम इस संकुचन को देखते हैं तो इसको कहते हैं लैंथेनाइट संकुचन, एक्टिनाइट श्रेणी में देखेंगे तो इसे कहेंगे एक्टिनाइट संकुचन। अब आया समझ में लैंथेनाइट संकुचन और एक्टिनाइट संकुचन, आप नोट भी कर लो। और यदि अगर आप बात करो N-1 d कक्षक के इलेक्ट्रॉनों के परिरक्षण प्रभाव की, तो ये परिरक्षण प्रभाव इतना कम होता है कि आंशिक रूप से ये निरस्त हो जाता है। नाभिक का आवेश बहुत ज्यादा रहता है तो उस आवेश में इसका परिरक्षण का प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ता, वो आसानी से निरस्त हो जाता है। तो इस तरह से जो है त्रिज्या घटती चली जाती है और संकुचन होता जाता है, जिसे हम लैंथेनाइड्स में कहते हैं लैंथेनाइड संकुचन और एक्टिनाइड में कहते हैं एक्टिनाइड संकुचन। गुना से ये आपने प्रश्न पूछा था, अब आप बताइए इसमें और कोई समस्या है तो आप ऐसा ड्रॉ कर लीजिए डायग्राम, ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिए, इस डायग्राम से आपको पता चल जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। चाहे तो ये सब नोट कर लीजिए, मैंने लिख दिया है पूरा, आप नोट कर लीजिए। और कोई इसमें समस्या आ रही है तो पूछिए। गुना से आपका प्रश्न था ना लैंथेनाइड संकुचन का, अब और क्लियर हुआ कि त्रिज्या घटती जाएगी और जब त्रिज्या घटती गई तो परमाणु का आकार छोटा होता गया और संकुचन होता गया, छोटा हुआ मतलब संकुचन हुआ, सिकुड़ गया, जैसे जैसे आगे जाएंगे संकुचन होता जाएगा। आप पूछिए। ये इस गुण में कोई समस्या आ रही है तो पूछिए। परमाणु के आयनिक त्रिज्या अब जितने गुण आज आपने पढ़े उसमें कोई समस्या आ रही है तो पूछिए। आपने आज संक्रमण धातुओं के गुण पढ़े, अगर उसमें कोई समस्या आ रही है तो पूछिए। आगे के गुण जो है हम नेक्स्ट क्लास में मंडे को देखेंगे, अभी तो हमने 3-4 ही गुण लिए हैं, अभी संक्रमण धातुओं के बहुत सारे गुण हैं, फिर इनकी रिएक्शंस है पूरी, उसको हम नेक्स्ट, अभी 2 कक्षाएं और हैं, उनमें अभी पढ़ेंगे इनको, क्योंकि इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है तो ये सारे गुणों का ज्ञान आपको होना बहुत जरूरी है। तो आपको कोई समस्या आ रही है तो पूछिए, पूछिए कोई समस्या आ रही है तो, और नोट करते चलिए। समस्या आ रही है तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने तृतीय संक्रमण श्रेणी के हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखे, चतुर्थ संक्रमण श्रेणी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखे, हमने जिंक कैडमियम मरकरी को देखा कि ये जो है संक्रमण तत्वों के सभी गुणों को क्यों नहीं दर्शाते हैं। उसके बाद हमने संक्रमण तत्वों के जो जनरल गुण है विशेषताएं है पहले उन पर चर्चा करी, फिर एक एक गुण को हम डिटेल में देखते हुए चले। तो 3-4 गुणों को हमने देख लिया, परमाणविक आयतन देख लिया, घनत्व देख लिया, धात्विक गुण देख लिया, त्रिज्या देख ली, अभी 3-4 गुणों को हमने देखा है, बाकी गुणों को हम देखेंगे। अगर कोई समस्या है तो बताइए, बताइए कोई समस्या है तो कर लो, कोई समस्या है तो पूछिए, नहीं तो फिर नेक्स्ट कक्षा में हम इनको आगे पढ़ेंगे। और अगर इस बीच में कोई समस्या है तो आप जो है पूछ सकते हैं,
नेक्स्ट कक्षा में आप लेकर आइए समस्या को, सबसे पहले आपकी समस्या का समाधान करेंगे और उसके बाद आगे हम संक्रमण धातुओं के गुणों को पढ़ेंगे। नमस्कार।